बसंत पंचमी महोत्सव पर आज सूर्योदय से ही धार की भोजशाला में पूजन अर्चन एवं हवन का दौर प्रारंभ हो गया था। वहीं धार के लालबाग से परंपरागत रूप से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भोजशाला स्थल पहुंची। उक्त शोभा यात्रा में माँ वाग्देवी के तेलचित्र को सुसज्जित रथ में विराजित कर निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए तथा भगवा पताकाओं के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हुए चल रहे थे। भोजशाला पहुंचने पर मोतीबाग चौक में धर्म सभा का भी आयोजन किया गया था, जिसे हृदय गिरी जी महाराज एवं विश्व हिंदू परिषद के सोहन काग जी ने संबोधित किया। धर्म सभा के बाद माँ वाग्देवी के तेल चित्र को माँ वाग्देवी मंदिर में ले जाया गया, जहाँ चित्र की महाआरती की गई। समिति द्वारा दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वहीं कल मातृशक्ति सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में धार जिले से महिलाओं के आने की बात कही जा रही है। वहीं धार के प्रकाश नगर स्थित अग्रवाल पब्लिक स्कूल द्वारा भी बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर स्कूली बच्चों के साथ क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चों ने उत्साह एवं उमंग से भाग लिया एवं माता सरस्वती जी के जयकारे लगाते हुए पूजन किया। हमारी संस्कृति हमारी सीता है, हमारे संस्कार हमारी सीता है। अगर हमारी संस्कृति को हमारे संस्कार को कोई हरण करने की चेष्टा करता है तो लावण जा रहा है। अपने अपने साधना स्थलियों पर मंदिर जैसे शब्द हमारी संस्कृति के चुरा के अंकित करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं कि वो सनातनी बन जाएंगे या सनातन संस्कृति? वो सनातनी है, ये वो संस्कृति है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। पर आज महाकाल बाबा के रास्ते पर बैठ करके महाकाल के भक्तों का रास्ता अवरुद्ध करने वाला यह धर्म हो सकता है क्या? धार भोजशाला का निर्माण जब हुआ तो यज्ञ की परंपराएं थी, 40 ईसाई पंडितों ने मिलकर के अनेकों राजाओं की उपस्थिति में भोजशाला का निर्माण हुआ है। और केवल मां सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए नहीं, मां सरस्वती मां मन मां होती है। जिस बेटे की मां जन्म में जन्म देने के बाद हमारी भोजशाला मां सरस्वती का प्रांगण है। इस प्रांगण में अनेकों विद्वान तैयार हुए, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा अस्तित्व उस क्षण समाप्त हो जाता है। मेरे भाइयों,
जीवा धृति क्षमा दमा सोच में निंदी अभिज्ञा। लेकिन उस धर्म की स्थापना के लिए, उस राम राज्य की स्थापना के लिए हमारे प्रभु राम ने हमें संदेश दिया है कि आपको अपने महल से निकलना पड़ेगा, तब जाके राम राज्य की स्थापना हो सकती है। अगर हमें यहां मां शारदा की विग्रह की स्थापना करना पड़ेगी तो हमें अपने घर से निकलना पड़ेगा, हमें यात्रा करना पड़ेगी, तभी भगवान श्री राम ने वनवास की यात्रा की। जब भगवान राम सबरी के पास पहुंचे, सबरी को दर्शन दिए, सबरी एक तक देखती नहीं और बोलती है प्रभु बुराई में भी तनिक अच्छाई होती है। अगर आपको रावण का वध नहीं करना होता तो आज आप मेरी कुटिया में हैं। भगवान राम गंभीर हुए, बोलते हैं मां आपको लगता है कि आपका राम रावण के वध करने के लिए निकला है? हम तो इसलिए निकले हैं कि जब भी सनातन संस्कृति पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए तो इतिहास उसका अंगड़ा पकड़ के बोले कि अगर राम राज्य की स्थापना की है तो एक क्षत्रिय राम ने और एक वनवासी भिलनी माँ ने मिलकर के की है। जय की जय, जय श्री राम, सरस्वती माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय माता की जय, राजा भोज की जय, सरस्वती माता सरस्वती माता की जय, राजा भोज आज सुबह सूर्योदय से ही भोजशाला के अंदर माँ वाग्देवी सरस्वती का पूजन और हवन प्रारंभ हो गया था, जो निरंतर अभी तक चल रहा है। उस पूजन के बीच में हमारी जो परंपरा रही है कि लालबाग से माँ वाग्देवी सरस्वती की जो शोभा यात्रा शहर के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ निकली, जो भोजशाला प्रांगण में आकर एक सभा के रूप में परिवर्तित हुई, जिसे हृदय गिरी जी महाराज और विहिप के सोहन जी ने संबोधित किया। उसके पश्चात माँ वाग्देवी का परंपरा अनुसार तेल चित्र जो भोजशाला के अंदर जाता है, जिस जाने के बाद पूजा अर्चन के बाद महाआरती की जाती है, और उसके बाद निरंतर जो सूर्यास्त तक यज्ञ हमारा जो चलेगा वो भी अनवरत प्रारंभ है, और सारे श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भोजोत्सव समिति द्वारा जो की गई है जो निरंतर प्रारंभ है अनवरत रूप से। ठीक है, अभी हवन कब तक चलेगा और शाम को और कल और क्या कार्यक्रम? जैसे कि हमें ASI की अनुमति अनुसार सूर्योदय से सूर्यास्त तक हवन पूजन करने की अनुमति है, तो हम जब तक सूर्यास्त नहीं होगा जब तक हमारा हवन अनवरत प्रारंभ रहेगा। और आज भोजोत्सव क्या बसंत पंचमी के इस आयोजन के बाद कल हमारा मातृशक्ति सम्मेलन है, जिसके लिए भी हमें भोजशाला परिसर के अंदर की परमिशन ASI ने नहीं दी है, किंतु प्रशासन ने सकारात्मक निर्णय लेते हुए हमें वहाँ पर डेली पूजा करने की अनुमति दी है और सभा करने की अनुमति दी है।